Hello everyone, how are you doing? I hope you will be fine, and I'm also fine. Naeem Hussain on online evening. Basically our topic is affiliate marketing. Affiliate marketing kise kehte hain, affiliate marketing kya hai aur affiliate marketing ka kya role play hota hai online evening mein. Theek hai, affiliate marketing मैं आपको समझाता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि आपको एक जॉब देंगे, अगर वो जॉब पूरी करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, या एक टास्क देंगे, कोई ऐसा काम देंगे, अगर आप वो काम पूरा कर लोगे तो फिर आपको पेमेंट मिलेगी. सिंपली द बेस्ट. अब एग्जाम्पल दे देकर मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है. एफिलिएट मार्केटिंग बहुत 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 बड़ा जो है ना मार्केटिंग एस्पेक्ट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से. लाखों की तादाद में वेबसाइट्स हैं और वो वेबसाइट्स लोगों के बिजनेस को प्रोमोटर, वो लोगों के बिजनेस के प्रोमोटर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स हैं. लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो लोग्स हैं, जो बिजनेस, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो दूसरे लोगों के बिजनेस के प्रोमोटर हैं और उनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्रोमोटर्स हैं. तो वो उनके बिजनेस की प्रोमोशंस किस तरह से करते हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग, सही है. तो एडवर्टाइजिंग के बिहाव पर एफिलिएट मार्केटिंग ने जन्म ले लिया. एफिलिएट मार्केटिंग ने जन्म तो ले लिया, तो इस इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि मेरा बिजनेस है, जैसा कि मैं डीवीडी सेल करता हूँ ऑनलाइन, कंप्यूटर के कोर्सेज सेल करता हूँ ऑनलाइन, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक दिन में कम से कम 100 या 150 से ज़्यादा ऑर्डर मिले. बेसिकली मैंने अभी तक किसी जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट नहीं किया. वो कौन कौन सी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि 100 से भी ज़्यादा, 100-150 के करीब मुझे डेली बेसिस पर ऑर्डर रिसीव हों, वो मैं ऑर्डर उनको जो है ना मैं सेंड करूं. तो उसके लिए मुझे किसी मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा. लेकिन उस कंपनी से कॉन्टेक्ट करने के लिए मुझे उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना होगा, उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हेलो हाय, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आया कि ये कंपनी सिर्फ हवाओं में फायर तो नहीं कर रही, सिर्फ हवा में हवाई फायर तो नहीं कर रही है, या ये कंपनी सिर्फ जो है ना बड़े बड़े जो है ना बातें तो नहीं कर रही, और है बातें बड़ी बड़ी लेकिन हो कुछ भी नहीं, दिखने में बहुत बड़ा पहाड़ हो और जब आप उसके सामने जाओ तो आपको एक ईंट नजर आ जाए, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं. उस कंपनी की डिटेल्स मालूम करने के लिए जो है ना हमारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, जो कि उनके बारे में रिव्यूज देते हैं, ये वेबसाइट्स इसने ये किया, आज इसने ये किया, आज इसको ये अवार्ड मिला, आज ये गोल्ड अवार्डेड कंपनी है, ये सब कुछ जो है ना इंटरनेट पे बातें होती रहती हैं. अगर कोई कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करेगी तो वो उसके बारे में जो है ना थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज जो है ना आ जाएंगे इंटरनेट पर. आप रिव्यू किसी भी मार्केटिंग प्लेस को कंसर्न करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यूज ले लो. अगर कोई भी उसके बारे में रिव्यू नहीं कर रहा तो इट मींस के वो जो मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है तो वो बिल्कुल मींस यूजलेस है और उसका कोई रिव्यू ही नहीं है. किसी के साथ उसने बिजनेस ही नहीं किया तो वो कौन उसके बारे में रिव्यू देगा, या किसके साथ उसने फ्रॉड तो किया लेकिन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो रिव्यू दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि चलो खैर हो गया, इसके साथ इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मुझे तो सबक मिल गया, लेकिन वो किसी को और को बताना ही नहीं चाह रहा होगा, ठीक है. ठीक है, तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, समझ गए मेरी बात. एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रोल प्ले होता है? देखें, एफिलिएट मार्केटिंग बिहाव पर बहुत ज़्यादा फ्रॉडी लोग आ गए हैं. वो आपसे पेमेंट लेंगे, पेमेंट लेकर कहेंगे कि आपके बिजनेस को मैं, आपके बिजनेस पर इतने विजिटर्स आएंगे, ये आएंगे, और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, आपको जो है ना अपनी बातों में
जो है ना खींच लेंगे और आप राजी हो जाओगे उनको पेमेंट करने के लिए, एफिलेट मार्केटर्स हो गए, ठीक है। या ऐसे एफिलेट मार्केटर्स होंगे, वो कहेंगे कि हमें ये फलां कंपनी बिजनेस के लिए दे रही है, फलां कंपनी बिजनेस के लिए दे रही है, हम प्रोमोटर्स जो है ना प्रोमोटर्स की हमें बहुत ज़्यादा तराश है, आप हो प्रोमोटर्स, आप आओ हमारे पास रजिस्टर करो और हमें पे करो। पे करने की बात आ जाए तो ये समझ लो कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये तो आपने सोचा होगा कि इंटरनेट पर जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के इंटरनेट्स पर जितनी भी बड़ी बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छोड़ते हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि भले जितनी भी उनकी मर्जी हो, जितनी भी उनकी वो बड़े बड़े जो है ना बातें करें, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उनसे हमारा कुछ भी नहीं लेना देना। जब पैसे की लेन देन की बात आएगी, ये सब कुछ पैसे के लिए ही होता है, जब पैसे की लेन देन की बात आती है तो अगर आपसे वो फर्स्ट टाइम पैसे ले लें और उनकी को वो ना तो कोई सर्टिफाइड हो और ना ही कुछ उनके पास, सिर्फ वेबसाइट ही हो, वेबसाइट फ्री में बन जाती है, उसके हाई फाई की डिजाइनिंग वगैरह ये वो सब कुछ दे सकते हैं लोग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब रजिस्ट्रेशन की बात आए या पेमेंट लेने की बात आए और आपको कहें कि इन अफराद ने ये पेमेंट बना ली और वो आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दे दें, फिर भी आप उनके पास ट्रस्ट नहीं करो। जब तक आपके उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं करा लेते तब तक आप उन पर कोई भी बिलीव नहीं करो। अगर आपसे वो फ्रॉड के थ्रू आपसे कोई पेमेंट ले लेते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड हैं वो तो कभी फ्रॉड कर ही नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ देम एफिलेट मार्केटर्स, मार्केटिंग में बहुत बदनाम मार्केटिंग भी हो चुकी है और जो बहुत बड़ी मार्केटिंग प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो सुइटेबल मार्केटिंग प्लेसेस मैं आपको दूंगा आपके बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आ रहे हो इंटरनेट पर और कुछ चीज़ की प्रोमोशन से प्रोमोटर हो, आप बहुत बड़े मार्केटर्स हो, आप समझ रहे हो कि मेरे अंदर कोई मार्केटिंग स्किल है, मैं किसी की भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ या किसी की प्रोडक्ट को चार चांद लगा सकता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर सकते हो, पेमेंट कमा सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स पर कितनी हद तक हम पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, कितनी हद तक कमा सकते हैं और कौन कौन सी लिमिट्स हैं जिस पर हम रहकर वो पेमेंट कमा सकते हैं और जो है ना उन लिमिट को क्रॉस कर कर हमारे साथ क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास तक रहने दीजिए। आज की क्लास को मैं यहीं पर अख्तितम करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।